अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़ाइन लेके आई हूँ, ट्राउज़र डिज़ाइन, क्योंकि ईद आ रही है और क्योंकि मैंने अपनी ईद के कपड़ों के साथ एक ट्राउज़र बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने ट्राउज़र ऑलमोस्ट स्टिच कर लिया, स्टिचिंग और कटिंग दोनों हम ट्राउज़र की बता चुके हैं अपने चैनल पर। अगर आपको नहीं आती तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देख के उससे सीख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट इलास्टिक की जगह बना ली है, अंदर से दरमियान से जोड़ दिया है। अब जो साइड्स हैं ट्राउज़र की, उसको मैं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बटन्स लगाने हैं, हुक्स लगानी है, तो मैं उसको 11 इंचेस का मैं कपड़ा लूँगी, क्योंकि मैंने तकरीबन 12 हुक्स लगानी है। आप चाहे तो आप कम लगा सकते हैं और उसमें से मैं 2 सेंटीमीटर का कपड़ा छोड़ दूँगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि हमें पेंचे बनाने होते हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये आप कट देख सकते हैं, मैंने 11 इंचेस का लगाया है। आप अगर ऐसा ही बनाना चाहते हैं, ऐसा बना लें, चाहे तो छोटा कट बना लें, लेकिन पेंचों के लिए जगह याद रखिएगा 2 इंच की तकरीबन आपको छोड़नी होगी। तो फ्रेंड्स, अब इसको मैं पतली सी पाइपिंग कर लूँगी दोनों साइडों की, जो कट मैंने लगाया हुआ है। इसको आप बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करके आप इसको स्टिच कर लें। फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत लगता है, ये थोड़ा सा फिटिंग वाला ट्राउज़र होता है, और आजकल आप देखें तो ब्लैक और वाइट कलर में ये बहुत प्यारा लगता है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल जो है वो इस तरह का ट्राउज़र बना लें तो आपकी हर कपड़ों के साथ सूट कर लेगा। फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेरे पास एक डोरी है ब्लैक कलर की, बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत सस्ती मिलती है, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। इसकी मैंने हुक्स बनानी है। अब मैं तकरीबन 1 उंगली के बराबर का जो है वो रिबन, जो ये डोरी है, ये काट लूँगी, और मैं तकरीबन 12 बना रही हूँ। आजकल 12 का बहुत फैशन है, आप चाहते हैं 8 बनाना चाहते हैं 8 बना लें, 6 बना लें, 4 बना लें, इवन 4 to even 3 का भी लोग बनाते हैं, मैंने देखा है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इन है वो तकरीबन 12 का है। अच्छा, आप इसके छोटे छोटे तकरीबन 12 मैंने काट लिए। अब मैंने करना ये है कि इसको मैं अंदर रख के दूसरे वाले जो कपड़ा है उसको उसके ऊपर थोड़ा सा रख के और उसको मैं स्टिच करके बंद कर दूँगी, ठीक है। इस तरह मेरी जो हुक है वो सिर्फ मुझे बाहर नज़र आएगी और मेरा ट्राउज़र जो है वो सिल जाएगा। आप चाहे तो कट ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लगता, बहुत रफ़ लुक देता है, इसलिए मैं हुक्स को अंदर डाल के उसके ऊपर दूसरा पीस फैब्रिक का रख के उसको मैं स्टिच कर लूँगी। इसी तरह आपने सारी हुक्स आहिस्ता आहिस्ता रख देनी है और उनको स्टिच कर लेना है। अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जब हुक्स लग जाएंगी तो ये कैसा लगेगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तकरीबन ये रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स, मैं इसके पेंचे जो है उनको मैं फ़ोल्ड करके थोड़ा सा मैं स्टिच कर लूँगी, क्योंकि अब हम अपना डिज़ाइन बनाने लगे हैं, अपना डिज़ाइनिंग करने लगे हैं, तो उससे पहले पेंचे, ताकि मुझे फिर बाद में इशू होगा आपको कि बाद में पेंचे बनाएंगे तो आपका शायद इंचेस वगैरह का फ़र्क आ जाए, इसलिए आप दोनों को स्टिच करने के बाद इनके पेंचे भी आहिस्ता आहिस्ता आप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आप बटन देख सकते हैं, इसमें आपको हर कलर मिलता है, ठीक है। ये इस तरह का बटन बहुत ईजीली अवेलेबल है आजकल मार्केट में। नीचे इसके छोटा सा एक राउंड सा स्क्वायर सा एक सर्कल सा बना होता है, जिससे ईजीली आप इसको स्टिच कर सकते हैं। अब जिस साइड पे हुक्स हैं, हुक्स के नीचे जो है आपने, ये देख सकते हैं आप, इसको आपने सिंपल रिबन को लगा देना है। चाहे तो हुक के अंदर डाल के लगा दें, चाहे आप हुक हटा के लगा दें हुक के अंदर, क्योंकि हमने इसको डालना होगा तो बहुत इजीली इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। मैं आपको एक दो लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हुक एक साइड पे है और बटन दूसरी साइड पे है, बंद हो गया। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह ये ऐसे लगेगा जैसे आपने बटन्स अलग लगाए हुए, हुक्स अलग लगाए हुए, जबकि मैंने बटन्स जो है वो हुक्स के अंदर ही अटैच कर दिए हैं। बहुत नीट, बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश लगता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या कॉमेंट्स मिले हैं, क्योंकि जब ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, जब मैंने पहना था तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि अपने चैनल पे हमें सिखाएं कि आपने ये कैसे बनाया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब क्योंकि हमारा अंदर का जो एरिया है वो स्टिच नहीं हुआ हुआ, आप जितना भी फिटिंग रखना चाहते हैं पेंचे की वो लेके इंची टेप से दोनों को मेजर कर लेना है आपने, ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करते हैं तो फिर हमें ये होता है कि अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी फिटिंग आएगी। सो आपने इसको अंदर वो कर लेना। याद रखिएगा, प्लीज़ दोनों पेंचों को आपस में नाप कर लीजिएगा, ये ना हो कि एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए।
इस तरह मैंने इनको स्टिच कर लिया है। और याद रखें डबल सिलाई लगाएं, डबल सिलाई से आपका जो ट्राउज़र होता है वो कभी भी फटता नहीं है, ठीक है। डबल लगाएं, तीन दफ़ा लगाएं, बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो स्टिचिंग है वो मज़बूत होगी और आपका ट्राउज़र फटेगा नहीं, क्योंकि जो हैवी लोग होते हैं अक्सर ऐसा होता है कि उनका ट्राउज़र की सिलाई निकल जाती है तो वो बहुत बुरा लगता है। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है तैयार। अब इसको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने कटिंग से पहले भी इसको प्रेस किया था, अब आपने इसको बाद में भी, जिस तरह हम ट्राउज़र की प्रेस, ट्राउज़र को पहले आपने सीधा रख के प्रेस करना है, फिर आपने इसके बटन्स वाली साइड को टेढ़ा करके जैसे कि हम ट्राउज़र को प्रेस करते हैं। ट्राउज़र को प्रेस करने का भी एक अपना तरीका होता है जो हम बहुत जल्द आपको अपने चैनल पर बताएंगे कि आप ट्राउज़र को प्रॉपर वे क्या है ट्राउज़र्स को प्रेस करने की। अक्सर मैंने देखा है बहुत प्यारे प्यारे लोगों ने ट्राउज़र पहने होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इनको प्रेस कैसे किया जाता है और इसको कैरी कैसे किया जाता है। सो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक ऑन वीडियो मेक वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल, कि प्रेस कैसे करते हैं कपड़ों को ताकि वो ज़्यादा खूबसूरत लगें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ट्राउज़र रेडी है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसको मैं डिफरेंट शर्ट्स के साथ यूज़ करती हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर करें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि वैसे भी ईद आने वाली है तो किसी का फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट माई न्यू वीडियोज़ इन टाइम। खुदा हाफिज़।